हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 9 डे रोड ट्रिप। और अभी हम आए हैं जमजीर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल जामवाड़ा विलेज के बिल्कुल ही पास में है। अभी आपको वाटरफॉल देख के लग रहा होगा कि यहाँ का वाटर का फ्लो है वो बहुत ही हाई है। वो बात तो सही है, लेकिन अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, मतलब अभी तो जनवरी चल रहा है, लेकिन मानसून की सीज़न में यहाँ पे सभी जगह पे पानी होता है। मतलब यहाँ में अभी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे भी पानी होता है, इतना सारा पानी होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो आप सासनगीर ट्रिप बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो रिवर है उसका भी बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वाटरफॉल है वो तो अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए हम साथ में मिलकर विजिट करते हैं ये ब्यूटीफुल जमजीर वाटरफॉल। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने गुड़ बनाने की फैक्ट्री विजिट की, एंड दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। बाद में हम आगे बढ़े इस ट्रिप के नेक्स्ट डेस्टिनेशन जमजीर वाटरफॉल। वहां जाने का रास्ता तो आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत है, लेकिन बाद में मेन रोड से वाटरफॉल के लिए टर्न लेना पड़ता है। और वहां से वाटरफॉल तक का जो रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां हमने हमारा व्हीकल पार्क किया और चलते हुए प्रकाश के साथ आगे बढ़े वाटरफॉल की ओर। जैसे जैसे हम वाटरफॉल के नज़दीक जा रहे थे, वाटरफॉल की आवाज़ से एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। सच में दैट वॉज डिफरेंट फीलिंग, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो जैसे कि आपने ये जंजीर वाटरफॉल देखा, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। और ये आगे जो रिवर है उसका नाम है सिंघोड़ा, और वो रिवर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं आगे। आगे भी स्विमिंग के लिए कुछ जगह है, बहुत ही नेचुरल जगह है। तो चलिए हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे रास्ते में क्या क्या आता है। देखो ये है नीचे जाने का रास्ता, और यहाँ पे यूजुअली पानी होता है बहुत सारा, अभी थोड़ा ही है। और यहाँ पे यूजुअली सारे लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि सराउंडिंग कितना ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस है। ये है वाटरफॉल का पानी पूरा। तो फ्रेंड्स, ये वाटरफॉल देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजर है। मतलब कि यहाँ पे जन्माष्टमी में बहुत ही क्राउड होता है, और हर जन्माष्टमी में मतलब हर साल एक या दो डेथ तो हो ही जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो गिरता है वो 3 दिन बाद मिलता है। तो आप समझ सकते हो कितना डेंजर है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, फोटोग्राफ्स ले रहे हो, शूटिंग्स ले रहे हो, यहाँ पे बैठे हो, वो सब बात अलग है, लेकिन सिक्योरिटी का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई सिक्योरिटी वाला पर्सन नहीं है जो आपको गाइड करेगा या आपको बताएगा। अगर आप यहाँ पे स्विमिंग करना चाहते हो तो लोकल की हेल्प के बिना तो कभी मत करना। और ऐसे भी ये सिर्फ इस जगह के बारे में नहीं बता रहा, किसी भी जगह पे आप जा रहे हो तो 100% श्योर हो जाइए आप उस जगह के लिए, फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो तभी रिस्क लेना। लेकिन रिस्क यहाँ तो कभी भी मत लेना, क्योंकि ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी रिस्की और डेंजर है। तो चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ की कुछ सराउंडिंग व्यू दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अभी तो वाटर बहुत ही कम है, मानसून की सीज़न में यहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे होंगे वहाँ पे भी पानी होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो वाटरफॉल है वो कितना डेप्थ होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं रिवर की ओर, और वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे और कौन कौन से ब्यूटीफुल नज़ारे अपने को देखने को मिलेंगे। जमजीर वाटरफॉल गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के जामवाड़ा विलेज के पास में ही है, जो सासनगीर से करीबन 23 किलोमीटर, गिर गधरा से करीबन 25 किलोमीटर, कोड़ीनार से 27 किलोमीटर, ऊना से 42 किलोमीटर,
एंड सोमनाथ से करीबन 46 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये वाटरफॉल सिंगोड़ा रिवर पर है। सिंगोड़ा रिवर गिर के जंगलों से होते हुए करीबन 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए कोड़ीनार के पास में जो मूलधारका का समुंदर है उसमें मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जमदग्नि ऋषि थे, उन्होंने इस वाटरफॉल का नाम मंजीरा रखा था क्योंकि वाटरफॉल की आवाज़ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह थी। बाद में लोग इसे जमदग्नि ऋषि के नाम से जोड़कर जम मंजीरा के नाम से जानने लगे, लेकिन आज इसे जमजीर वाटरफॉल के नाम से ही जाना जाता है। इस वाटरफॉल को सरस्वती वाटरफॉल भी कहा जाता था, लेकिन आज सिर्फ लोग इसे जमजीर वाटरफॉल के नाम से ही जानते हैं। तो वाटरफॉल पे काफ़ी अच्छा समय स्पेंड करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे रिवर पे। यूजुअली जब जन्माष्टमी और मॉनसून की सीज़न होती है और बहुत ही पानी होता है, तब जो पब्लिक आती है, जो लोग आते हैं, वो यूजुअली वहाँ पे एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करके नहा के एंजॉय करते हैं। तो ये नदी है और अब हम वहाँ जाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है और यहाँ का पानी है बहुत ही क्लीन है, मतलब बहुत यहाँ से देखने में भी बहुत ही क्लीन लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत नज़ारा और देखते हैं ये नदी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है सिंगोड़ा, और यहाँ पे जन्माष्टमी के दौरान बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत ही क्राउड होता है। यहीं पे सब लोग नहा के स्विमिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना अच्छा समय बिताते हैं। और अभी ये जो नदी है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की वजह से बहुत सारी स्ट्रीम बन चुकी है, मतलब बहुत सारे वे है, और इसी के लिए ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मतलब देखिए आप कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। यहाँ पे बड़े पत्थर पे आप बैठ सकते हो, खड़े रह सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई डेंजर नहीं। ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसके थोड़े ही आगे 100 मीटर जितना ही आगे वाटरफॉल है, तो यहाँ पे आप नहा के एंजॉय कर सकते हो, अच्छा समय बिता सकते हो। और एक अच्छी बात ये है कि मैंने ऐसा सुना है, और जो हमारे पास साथ में आए प्रकाश भाई, उन्होंने ऐसा बताया कि ये पानी तो अभी बहुत ही कम है। मतलब मुझे तो अभी भी देख के बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मानसून की सीज़न में तो मतलब ये पूरा जो पत्थर है वो सब पानी ही पानी होता है इसके ऊपर। तो शायद मैं फिर से मानसून की सीज़न में यहाँ पे ज़रूर आना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये जगह। तो चलिए मैं फिर भी आपको ये दिखाता हूँ यहाँ सराउंडिंग व्यू कैसा है, और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें देखने को। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.